गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग निकल चुके हैं मूवी के लिए और हल्का सा थोड़ा सा लेट ही हो गए हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा दूर पड़ता है, बट कोई बात नहीं, चलो निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। बड़े टाइम बाद माँ बेटी की सवारी कहीं निकली है कुछ एंजॉय करने। और अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से, और मूवी हो चुकी है हमारी। और दृष्टि पीछे कॉर्न्स बनवा रही है। हाँ देरी देरी फ्रेंड्स। तो अभी जो है मैं घर आ गई हूँ इधर अपनी मॉम के घर। मम्मी बुला रहे थे कि इधर आ जाना, तो डायरेक्ट मैं घर नहीं गई हूँ। और मूवी जो थी हम लोग सुबह देखने निकल चुके थे। मैंने जैसा कि बताया था बुक माई शो से मैंने टिकट्स करा ली थी, और मस्त मूवी थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। और बस अच्छा रहा आज हम लोगों की दोनों माँ बेटी की मूवी डेट काफ़ी अच्छी रही है। और सोचते हैं अब ऐसी जो है रेगुलर बेसिस पे ये ऐसा हम लोग जाया करेंगे। तो अभी आ गई हूँ इधर। मम्मी जो हैं कुछ दे रहे हैं मेरे को, एक दो सामान देना था उनको, इसलिए बुला रहे थे इधर आ जाना फिर यहाँ से। अब मैं निकलूँगी क्योंकि ऊपर जो है वो सुबह से मैं निकली थी मॉर्निंग की, तो अकेला है तो अब जाना है घर वापस। और धूप बहुत ज़्यादा थी, कान स्कूटी से ही आई हूँ। ओला को मैंने त्याग दिया है क्योंकि ओला पे यही होता है, एक तो ओला कराओ देन उसका जो है पैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। स्कूटी थोड़ा सही है, अपना जहाँ जाना है वहाँ पर चले जाओ, कहीं रुकना हो कहीं से आना हो वो ज़्यादा बेटर है। तो अब तो मैं यूज़ टू हो गई इतने दिन में। अब पहले जब मैंने एकदम से निकाली थी स्कूटी तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन अब तो हर काम के लिए फटाफट स्कूटी निकाली और चलो काम कर लिया, और धीरे धीरे जो है बाहर निकलना सीख लिया इसी तरीके से। और दृष्टि अभी कुछ अपने उसके कपड़े पड़े हुए थे दो चार, तो वो कपड़े भी यहाँ से उठाएगी अपने, देन उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर के लिए। क्योंकि कूलर मैं चला के आई थी कुकर के लिए, क्योंकि आज गर्मी सुबह में तो नहीं थी लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और एक और चीज़, मैं जो थी अभी कोई ग्लव्स वगैरह नहीं पहन के गई थी। पहले मेरे पास जब मैं स्कूटी चलाती थी मैं ग्लव्स वगैरह होते थे पूरे यहाँ तक के, ताकि टैनिंग ना हो ये वो। तो अब मुझे लग रहा है मुझे दोबारा से वो ख़रीदने पड़ेंगे। वो ग्लव्स आते हैं पूरे यहाँ तक के, चढ़ा लो उनको, देन उसके बाद हाथ जो है ये सनबर्न नहीं होगा, जलेंगे नहीं पूरा धूप में। तो अब मेरे को वो लेने पड़ेंगे क्योंकि कभी भी निकलना पड़ता है मेरे को बाहर। और व्लॉग जो है मेरा आई थिंक सेकेंड डे जाएगा, कल पूरा व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हुआ था मेरा, तो मैं पूरा वो बना ही नहीं पाई थी। देन उसके बाद घर जाके जो है मैं आप लोगों से बात करूँगी। बाय। ये जो है कुछ आपको मैं दिखाती हूँ, अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं कनिका श्याम, वो उन्होंने जो है दृष्टि को कुछ गिफ्ट भेजे थे और ये अभी रिसीव करे हैं। तो आप देखेंगे ये गिफ्ट्स जो कनिका ने भेजे हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर वॉच भेजी है दृष्टि के लिए, और दृष्टि दूसरा भी गिफ्ट खोलेगी। और एक ये बैग है, आई थिंक ये पूरा अरे वाह बहुत क्यूट है ये तो दृष्टि।
इसके अंदर भी है क्या पाउच? यस, उसके अंदर, अरे ये क्या हो रहा है, पाउच के अंदर पाउच, पाउच के अंदर एक और पाउच, इतने सारे हैं उसके अंदर भी एक पाउच। बताओ ये गिफ्ट्स कैसे लगे हैं? बहुत अच्छे लगे। तो चलो फिर एक थैंक यू तो बनता है आंटी के लिए। ठीक है, थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। तो थैंक यू सो मच कनिका, ये इतने प्यारे गिफ्ट्स दृष्टि के लिए भेजने के लिए, बहुत प्यारा लगा उसको ये बैग और बहुत प्यारी वॉच आपने जो भेजी है। वॉच ले गई क्या? तो ये आपको पता है वो शाये वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, थैंक यू बोली और भाग गई है उसके बाद, और बोल भी रही है कि मैं, मेरे को अभी शूट मत करो, उसको ये हो रहा है अभी मेरे को शूट मत करो, तो उसको शर्म आती है बहुत ज़्यादा, इसलिए भाग गई है। तो कनिका मैं इतना बोलना चाहती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, आप लोग जो हो ना, मतलब कोई मेरे ऐसे रिश्तेदार नहीं थे, आप लोग अभी जस्ट मेरे को मिले हो, लेकिन आप लोगों से इतना प्यार और अटैचमेंट हो गया है, मुझे लगता है कि शायद जो रियल में रिलेशन होते हैं शायद वो भी इतना नहीं प्यार और इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं जितना आप लोग हमें करते हो, और जितना प्यार आप लोग हमें भेज रहे हो और हमें करते हो, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, स्पीचलेस हूँ इस टाइम। थैंक यू सो मच कनिका। और कहने का मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कोई बुरा कहता है या कुछ कहता है, मुझे बहुत हर्ट होता है, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी वो मत करना, क्योंकि मुझे पता है जो लोग मुझे प्यार करते हैं और करेंगे ना, उनको इस तरह से थोड़ा सा दूसरे लोग ट्रीट कर रहे हैं या उनके लिए कुछ बुरा बोल रहे हैं, बट आप बिल्कुल भी दिल पे मत लेना, मैं आपको हर किसी के बिहाफ पे सॉरी बोलूँगी, और आप बहुत अच्छे हो यार, बहुत अच्छे इंसान हो, और थैंक यू सो मच, दृष्टि को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स पसंद आए हैं आपके, आप लोगों के साथ एक अलग से मेरा बॉन्ड बन चुका है, मतलब एक दिल का रिश्ता बन चुका है। तो जैसा मैंने बताया कि रियल रिलेशंस भी इतने ज़्यादा जो है अटैच नहीं होते, समझ नहीं पाते, लेकिन आप लोगों ने मेरे को समझा, मेरी बातों का विश्वास किया, इतना प्यार किया, ये कम चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच इतना प्यार के लिए, हम दोनों को इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब जो है ये गिफ्ट्स मैं मम्मा के घर पे आए थे, ये एक्चुअली अब मैं यहाँ से लेकर इनको अब घर जाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा, नहीं तो मेरे को शाम हो जाएगी, और मैं यही सोचती हूँ कि 6 बजे तक मैं घर में हूँ और अपने आराम से, तो अब मैं यहाँ से निकलती हूँ, देन उसके बाद जो है आगे का देखेंगे क्या काम होता है। तो चलिए बाय, फिर मैं निकल रही हूँ, बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम लोग जो हैं घर आए हैं, अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ मैं बैग लेकर आई थी, कुछ दृष्टि के क्लोथ से वहाँ पे वो उठा के लेकर आई थी, और ऊपर जो है वो बर्फ़ खा रहा है, बर्फ़ खा रहा है ऊपर, दिखा ऊपर, बर्फ़ खा रहा है ऊपर, वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी जो है मेरा घर है सोने का मन, मैं थक गई हूँ सुबह से, आज निकले हुए थे, थकावट हो गई बहुत ज़्यादा, स्कूटी चलाई इधर उधर इधर उधर, अब मैं सोऊंगी, ये व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करूंगी, आज अच्छी गई है हम दोनों माँ बेटी की मूवी डेट काफ़ी अच्छी गई है, अब देखते हैं आगे की और प्लानिंग्स करेंगे, कुछ और अच्छा अच्छा प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी बताएंगे। तो आज मैं सारी चीज़ें फ़ाइनल कर दूंगी, जो भी प्लानिंग्स हैं उनसे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आज फाइनल करूंगी, क्या है, कहां पर है, क्या समर हॉलीडेज़ का रहेगा, नहीं रहेगा, जो भी सारी चीज़ें हैं अपने दिमाग में फ़ाइनल कर लूँगी आज सब कुछ। और कूपर को बांधा है क्योंकि आज कूपर ने एक बहुत बड़ा गंदा काम किया है, जब मैं आई हूँ कूपर ने एक बहुत गंदा काम कर रखा था, इसलिए अभी मेरे को कूपर को बांधना पड़ा है, और इसको छोड़ के जाओ तो ये कुछ ना कुछ हमेशा बदमाशी करके रखता है, और जो कि इसने आज भी करी थी। मैंने अब कूलर बंद कर दिया, एसी ऑन कर दिया है इसके लिए, मैं ये क्या खा रहा है, ये अभी बर्फ़ ही खा रहा है, ये इसको बर्फ़ दी थी, वो देखो पानी ही ना इसको, ये पड़ी हुई, ये पड़ी हुई है ठंडी ठंडी, इसको लग रही है, ये रही बर्फ़, ये देखिए ये रही ओए खेल रहा है उसके साथ। इवनिंग, तो आज जो है सो गई थी मैं आने के बाद घर, बहुत ज़्यादा कुछ गहरी नींद सो गई हूँ मैं, उसके बाद उठी और दृष्टि पीछे थोड़े से उसके कूपर के बालों को निकाल रही है, और कूपर को बाहर निकाला हुआ है, और वो लिटरली दरवाजे तोड़ रहा है इस टाइम,
तो कूपर जो है ना ये खड़ा हुआ है इस टाइम पे, शाम हो रही है। बहुत ज़्यादा जो है ना ये उधम मचा देता है और डांट रही है मुझको कि इसको बाहर लेकर जाओ। थोड़ी देर नीचे जाऊंगी पार्क में, एक दो राउंड काट के आती हूँ। थोड़ी देर भी बैठ के राजी नहीं है यार ये बिल्कुल भी। मतलब बाहर गर्मी बहुत हो रही है यार, हवा नहीं चल रही है, मतलब कभी मज़ा नहीं आ रहा है बाहर ना बैठने का। गर्मी है, अभी जाएंगे अब नीचे। कपड़े जो हैं अंदर ले आई थी मैं, सुखा रखे हैं मैंने स्टैंड के ऊपर। और तो मैं जैसे ही अंदर आई कूपर ने फिर से वहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया है। मैंने आपको बोला ना कि वो आजकल बिल्कुल भी दो मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं बैठता है, बहुत शोर मचा देता है। थोड़ी देर एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, मतलब ये देखो ये पड़ा कूलर, वो रहा एसी, हर टाइम ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। तो अभी जो है काटने वाली हूँ खरबूजा, ठंडा ठंडा खरबूजा, और सारा पानी वानी भी भर के रखना इस टाइम पे अभी। तो दृष्टि को भी खानी है दाल, मूंग दाल के लिए बोल रही है मम्मा मैंने दाल खानी है, तो मैं अभी ये काट लेती हूँ फ्रूट्स थोड़े से। देन वो कूपर का आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि दृष्टि वहाँ पे पोछा लगा रही है, इसलिए उसने बाहर निकाला हुआ और वो बहुत हल्ला मचाता है। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। रात को बनाती हूँ दाल चावल, बना ही लेती हूँ, कैमरा वैमरा नहीं लगा रही हूँ। तो चलो बाय, फिर मिलेंगे हम।